नमस्कार दोस्तों, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले दो तीन वीडियो में जो आप लोग कमेंट किए थे उसका मैं क्लियरली इसमें डिफाइन कर दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे ज़्यादातर आप लोग का कमेंट था रिफंड को लेकर, रिफंड इश्यू है, कब तक पैसा आता है, ठीक है, और रिप्लेस आइटम को हम कैसे हम रिटर्न करें, तो पूरा क्लियरली देखिएगा, आप लोग को पूरा हम बता देंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप और लाइव प्रूफ के तौर पर। तो देखिए, ये सैमसंग का जो मेरा ये जो हेडफोन है, इसको देखिए, यहाँ पर अभी दो दिन पहले जो आया है, यहाँ पर देख रहे हैं, जो डेट भी दिखा रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है रिप्लेस आइटम केवल रिप्लेस होगा, यहाँ पर रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। तो इस आइटम को बार बार आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि जो केवल रिप्लेस आइटम है उसको हम कैसे रिटर्न करें, तो इस पर देख लीजिए। इस पर जाने के बाद आपको देखिए, आइटम डिफेक्टिव और डाई नॉट वर्क, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, या मिसिंग पार्ट आर एक्सेसरी भी कर सकते हैं, पर इसमें डिस्क्रिप्शन में जो लिखना है वो आप लोग कंपलसरी है, उसको लिखिएगा। यहाँ पर लिख दीजिए पुअर क्वालिटी, लिख दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए उसमें ऑप्शन नहीं आता परफॉर्मेंस आर क्वालिटी नॉट एडिक्वेटेड, नहीं आता, तो यहाँ पुअर क्वालिटी लिख दीजिए। और पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, उसी तरह पुअर क्वालिटी लिख दीजिए, यहाँ नॉट सेटिस्फाई विद दिस प्रोडक्ट, ठीक है। और आपका देखिए, आपका कब तक रिप्लेसमेंट हो जाए, जब तक आपका डेट होता है, आपका डेट के अनुसार एक हफ्ता का समय है, तो एक हफ्ता के अंदर ही इसको कीजिएगा। अब ये नहीं कि एक हफ्ता के बाद करते हैं तो आपका वो रिप्लेस नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। एक बार किसी ने कमेंट किया था कि रिप्लेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखिए, इसको करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, किस में आप चाहते हैं पेमेंट, अमेजोन पे बैलेंस में आप चाहते हैं रिफंड, या रिफंड टू जो आपका जैसे अकाउंट जो क्रेडिट कार्ड से किए होंगे उसके थी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए अपना अकाउंट नंबर में रिफंड चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया। जैसे मान लीजिए आप लोग जैसे आप लोग कैश ऑन डिलीवरी भी किए हैं, तो उस पर भी आपका वहाँ ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्रेडिट कार्ड ये आपका या अकाउंट नंबर ऐड करने के लिए अकाउंट नंबर ऐड करके आप लोग उसमें पैसा मंगा सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ₹0 डिलीवरी पिकअप लेगा, ठीक है, और आपका तो पूरा रिफंड यहाँ दिखा रहा है कितना रुपया रिफंड आएगा, 549 रुपया रिफंड आएगा आपका, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस आइटम को आप लोग ऐसे ही करके, जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ऐसे ही आप लोग फॉलो कीजिएगा, आपका टोटल रिफंड आएगा, मैं दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पर, देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और देखिए, सबसे बड़ा इसमें होता है फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है आपका रिफंड में, ठीक है। मैं 10 दे दिया हूँ, ऐसे आप लोग फीडबैक इसको इग्नोर मत कीजिएगा, 9, 10 जो भी देना है आप लोग यहाँ दे दीजिएगा, इससे भी आपका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस पर, ठीक है। ज़रूर फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू शॉपिंग कर दीजिएगा, ये आपका रिटर्न का प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो गया, ठीक है, देख रहे हैं, ये आपका रिटर्न का प्रोसेस पूरा कम्प्लीट हो गया। आप लोग जैसे हम बोले थे वैसे आप लोग कीजिएगा, ठीक है। और चलिए हम आपको दिखाते रहे, जो ऑर्डर में जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न स्टार्टेड, यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपका दिखाना चाहिए जो भी प्रोडक्ट होगा, रिटर्न स्टार्टेड, यहाँ पर ट्रैक योर रिफंड और रिटर्न, ये आप देखिएगा, रिफंड एंड रिटर्न में जाके आप लोग ट्रैक में देखिएगा, ऐसा दिखाना चाहिए, रिफंड इनिशिएटेड और रिफंड क्रेडिट टू योर कार्ड, ठीक है, ऐसा ही पूरा प्रोसेस। तो चलिए हम कुछ समय बाद आपको ये भी पूरा फाइनली दिखा दे रहे हैं, कुछ देर बाद ही, तो चलिए हम इसको भी पूरा क्लियर आपको दिखा दे रहे हैं, कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितना रिफंड आएगा, 550 रुपये फाइनली आ गया है, वो भी हम कुछ समय बाद देखिए आ गया है, हम ये भी आपको दिखा दे रहे हैं, ये आया है करीब देखिए 14 दिन बाद आया है पेमेंट, ठीक है। तो इसमें समय लग सकता है, 10 दिन देखिए फाइनली आपका 10 दिन में चला आता है, लेकिन मेरा 14 दिन लग गया इसको आने में, ये जो पेमेंट आने में कुछ इश्यू था, ठीक है। और आप पता कर सकते हैं RIN नंबर से, ठीक है, रिफंड रिफ्रेंस नंबर से आप लोग पता कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहे हैं, देखिए अब रिटर्न कंप्लीट हो गया, वही प्रोडक्ट है, और यहाँ पर देख रहे हैं आपका ये देखिए रिफंड क्रेडिट योर कार्ड, ये पूरा क्रेडिट हो गया है, लेकिन ये दिखाता है 3 से 5 दिन में, तो रिफंड इश्यू हो गया था, देखिए वहाँ पर दिखा रहा है रिफंड इश्यू, ऐसे ही आपका भी दिखाएगा, तो घबराइएगा मत, पेमेंट आपका एकदम पूरा सिक्योरिटी के साथ आपका पेमेंट आएगा, घबराइएगा मत, ठीक है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सब करना पड़ेगा, मेरा 14 दिन लग गया ये आने में, इसके पहले वाला में हमको दिखाए थे आपको रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, वो 10 दिन में आया था,
ठीक है। और इसको भी दिखा दे रहे हैं प्रूफ के तौर पर, देखिए यहाँ पे कस्टमर सर्विस में जाइएगा, यहाँ पर जाने के बाद इसमें आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें जाइएगा आप लोग अमेजोन पे ट्रांजेक्शन में जाइएगा, कस्टमर सर्विस जाने के बाद अमेजोन पे ट्रांजेक्शन में, देखिए इसके पहले वाला आया था फाइनली मेरा, ये आपको देखिए ये आपका पेमेंट, ये रिफंड में दिखा दे रहे हैं आपको 549 रुपये, देखिए ये रिफंड आ चुका है 5 जुलाई, तो 5 जुलाई तक नहीं आया है ये, 10-12 तारीख तक आया है, ठीक है, एक हफ्ता 15 दिन तक लग गया। देखिए इसमें रेफरेंस नंबर आ गया, RRN नंबर आ गया, इसे भी पता कर सकते हैं आपका, ठीक है। इसके पहले में दिखाया था कि RRN नंबर नहीं दिखा रहा है, यानी कि अभी नहीं आया है, RRN नंबर दिखाने लगेगा तो समझिए कि आपका पेमेंट आ चुका है। आप जाकर देख सकते हैं RRN नंबर दिखाने के 3 या 4 दिन के बाद आपका अकाउंट में पैसा आ जाता है, ठीक है, और इसे आप पता भी कर सकते हैं पैसा कहाँ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फाइनली इसमें पूरा क्लियर कर दिया आपको, और थोड़ा समय लग सकता है, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन, इसी के 15 दिन, लास्ट 15 दिन के अंदर में आपका पेमेंट चला आता है, ठीक है, पूरा सिक्योरिटी के साथ आता है। आप लोग इसमें जाके आप लोग ट्रैक करके इस पर देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें यदि RRN नंबर दिखाएगा तो आप बैंक में जाके दिखा सकते हैं, आपका टोटल बता देगा, ठीक है, पूरा डिटेल बता देगा वो। तो आशा करता हूँ कि पूरा क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, और जो लोग चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही जानकारी आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।